हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं किसी भी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, इसके अलावा रासायनिक समीकरण, और इसके अलावा उत्प्रेरक। ये आपका हो गया है बच्चों क्या टॉपिक, ठीक है। तो देखिए कक्षा 10 के अंदर ये टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण एवं उत्प्रेरक। और आज हम इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के बारे में, ठीक है। और इसके जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के परिवर्तन हैं। एक होता है पदार्थों के अंदर भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। याद रख लेना बच्चों, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसके अंदर पदार्थ के कौन से गुण, भौतिक गुण और पदार्थ का भौतिक संगठन क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों याद रख लेना, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो ऐसी परिस्थिति में पदार्थ के रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन क्या होगा, परिवर्तित होगा। यह जानकारी क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। जब पदार्थ के केवल कौन से गुण बदले, भौतिक गुण, तब तो बदलाव कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण का मतलब यहां पे यह है कि यहां केवल पदार्थ की क्या बदलेगी, अवस्था, उसका रंग या उसका आकार या आकृति, ठीक है, ये लक्षण ही बदलेंगे। बट यहां पे एक नॉट का पॉइंट बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, यहां पर केवल भौतिक गुण ही बदलने वाले हैं। बट नॉट का पॉइंट याद रखना बच्चों, यहां पदार्थ का जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण जो है वो समान बने रहेंगे, याद रख लेना। वह कौन सा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक गुण समान बने रहेंगे, तो वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में कभी भी रासायनिक गुण बदलने वाले नहीं है, पदार्थ का कोई सूत्र नहीं बदल जाएगा। जैसे मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, वो कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, ठीक है। हमने उसे फ्रिज से बाहर निकाला, बाहर के एटमोस्फियर में रख दिया, वो पिघलने लगेगा कि नहीं पिघलेगा, तो वो पिघल गया तो वो ठोस से कौन सी अवस्था में चला गया, द्रव में। तो उसकी क्या बदली, अवस्था। अवस्था कैसा गुण है, भौतिक गुण। भौतिक गुण बदला कि नहीं बदला, बिल्कुल। लेकिन सूत्र बदल गया क्या, नहीं। बर्फ के अंदर भी पानी का सूत्र H2O था, और द्रव अवस्था में गया तब भी H2O था। इसका मतलब बच्चों सूत्र नहीं बदला, मतलब कौन सा गुण नहीं बदला, रासायनिक गुण नहीं बदला। कौन सा गुण बदल गया, भौतिक गुण बदल गया, मतलब कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। और एक बात बता दूं यहां पर, नॉट का पॉइंट याद रख लेना बच्चों, जब जब भी रासायनिक परिवर्तन होंगे तब रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन तो बदलेगा ही। जब बच्चों रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन ही बदल गया, तब भौतिक गुण भी तो बदलेगा। तो इसलिए यहां पर भौतिक एवं रासायनिक गुण मतलब दोनों क्या होंगे, परिवर्तन। बात यह क्लियर होनी चाहिए, ओके। चल अब देखिएगा, कुछ और बिंदु यहां पे बताना चाहता हूं। कई बार यह पूछ लिया जाता है, बताओ कौन सा परिवर्तन स्थाई है और कौन सा अस्थाई है। तो याद रखना बच्चों, भौतिक परिवर्तन हमेशा किस प्रकार का परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन है। अब आप पूछोगे कि यह अस्थाई परिवर्तन कैसे हुआ, बताइए जरा अस्थाई परिवर्तन कैसे है। तो एक उदाहरण के द्वारा ये बात समझाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास में पानी जो है वो ठोस अवस्था में है, इस बर्फ की मुद्रा में, ठीक है। इसे जैसे ही ताप देंगे या बाहर के एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो ये आपका जो है अवस्था बदल करके
ठोस अवस्था से किस अवस्था में चेंज हो जाएगा बच्चों? द्रव अवस्था में। तो जैसे ही पानी ठोस से द्रव अवस्था में चला गया, केवल अवस्था ही बदली, मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ। और बच्चों मैं क्या इस पानी से वापस बर्फ बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। बना सकता हूँ इसका मतलब ये जो नया पदार्थ मेरे पास बना है, ये पदार्थ जो है अस्थाई है, यानी कि इस बर्फ के अंदर जो ये बदला हुआ है ये अस्थाई परिवर्तन है, ये स्थाई नहीं है। लेकिन जब भी पदार्थों के अंदर कैसे परिवर्तन होते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जैसे ही किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो गया, फिर नया पदार्थ जो बनेगा वो परमानेंट होगा, स्थाई होगा। फिर उस नए पदार्थ से आप मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये कैसा परिवर्तन है बच्चों? स्थाई परिवर्तन है। आप इस बात को जरूर याद रखेंगे। मैं एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एक कागज का टुकड़ा था, मैंने उसे जला दिया, CO2 गैस बन गई। क्या अब आप वापस उसी कागज को प्राप्त कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्योंकि अब उस कागज का पूरी तरह से सूत्र बदल चुका है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है, मैं अगर इस मैग्नीशियम के फीते का दहन करना शुरू करूं तो यहाँ एक नया पदार्थ बनेगा और परमानेंट होगा। उससे आप मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रासायनिक परिवर्तन जो है वो स्थाई होते हैं, भौतिक परिवर्तन अस्थाई होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कागज का टुकड़ा है, अगर मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक बारीक टुकड़ों में फाड़ दूं, तब केवल उस कागज के टुकड़े की लंबाई बदली है, आकार बदला है, लेकिन है तो अब भी उसमें वही कार्बन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मैं उसका दहन करवा दूं तो फिर वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आप रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अच्छी तरह से अंतर जान लें बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगा और इन एग्जाम्पल के द्वारा ये चीजें आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कुछ पढ़ रहे हैं इनके एग्जाम्पल, ठीक है। जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो चीजें काफी हद तक आपके क्लियर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सबसे पहला जैसे हमारे पास में है बर्फ, बर्फ का पिघलना। बर्फ अगर पिघल रही है तो केवल अवस्था ही तो बदल रही है ना, वो ठोस से द्रव अवस्था में जा रही है। इसका मतलब कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि बर्फ पिघलेगी, द्रव अवस्था में जाएगी, तो वापस उससे बर्फ बना सकते हैं नहीं बना सकते? यानी कैसा परिवर्तन है? अस्थाई। फिर दूसरा, जैसे कि जल का, जल वाष्प में बदलना। बताइए बच्चों, ये कैसा परिवर्तन है? यहाँ पर भी केवल अवस्था ही बदल रही है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, जैसे हमारे पास कपूर की गोली है, कपूर का ऊर्ध्वपातन। अब आप पूछोगे सर ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन का मतलब यह है कि जब भी बच्चों कोई पदार्थ, जब भी कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधा कौन सी अवस्था में चला जाए? गैसीय अवस्था में। और गैसीय अवस्था से सीधा कौन सी अवस्था में आ जाए? ठोस अवस्था में। तब उस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और बच्चों कपूर की गोली जो होती है उसमें ऊर्ध्वपातन की क्षमता होती है, आपने देखा होगा। अगर आप कपूर की गोली को जैसे कपड़ों के बीच में रखते हो तो वो सीधी डायरेक्ट अपने ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चली जाती है। अगर मैं किसी बंद पात्र के अंदर उस कपूर की गोली को गर्म करूंगा तब वह ठोस से गैस में बदलेगी, और उस गैस को मैं अगर ठंडा करूंगा तो वापस ठोस अवस्था में आ जाएगी। इस घटना का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में अवस्था बदल रही है, इसलिए ऊर्ध्वपातन कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक, ठीक है। इसके बाद में जैसे मेरे पास में एक कागज का टुकड़ा है, कागज को फाड़ना, ये कैसा परिवर्तन हुआ? कागज को फाड़ना, लकड़ी को चीरना, इस मार्कर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये ठीक है, चौक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ये भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इनमें लंबाई बदल रही है, आकार बदल रहा है, ठीक है कि नहीं? तो याद रखना, जैसे मोम का पिघलना, ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चों? ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसी तरह से लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना। अब बच्चों लोहे का मेरे पास एक ऑल पिन है और मैं उस लोहे के ऑल पिन को लंबे समय तक किसी चुंबक के टुकड़े के संपर्क में रखूं या उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हुए उसे चुंबक में परिवर्तित कर दूं, तो उस लोहे के टुकड़े में चुंबकीय गुण जरूर आ जाएंगे,
लेकिन उसके अंदर है तो आयरन ही ना, कहीं वो नए पदार्थ के अंदर तो नहीं बदल गया, वो गोल्ड तो नहीं बन गया, है कि नहीं। तो इसलिए जब लोहे के अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं तब भी उसके अंदर वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन बच्चों अगर लोहे पर जंग लग जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब जंग लगेगा तो वहां नए यौगिक बन जाएंगे, और जब भी कहीं पर नए यौगिक बन जाए जो स्थायी हो, जिनसे आप वापिस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जितनी भी दहन की अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ को जलाया जाता है वो रासायनिक परिवर्तन है, और जितनी भी अवस्था बदलने वाली जो घटनाएं हैं वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है, याद रख लेना बच्चों, ठीक है। जैसे कि एक और यहाँ पे, जैसे कि जल वाष्प का संघनन क्या होता है बच्चों, देखिए आपको याद रखना है, जैसे ऊर्ध्वपातन की घटना मैंने अभी आपको बताई, इसी तरह से एक घटना है संघनन। याद रखना, संघनन के अंदर हमेशा गैस या जो जल वाष्प है वो ठंडी होकर के और किस अवस्था में आती है, द्रव अवस्था में लौट आती है। याद रखना होगा आपको, ये संघनन जो बारिश होती है ये संघनन की घटना है। तो जब जल वाष्प या अपनी कोई गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था में लौट आए तो उस घटना का नाम है संघनन, याद रख लेना आप। अब देखो बच्चों, अब हम कुछ रासायनिक परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया जितनी भी दहन की अभिक्रिया है वो टोटली रासायनिक परिवर्तन में लिखी जाएगी। जैसे मोमबत्ती का जलना यह कैसा परिवर्तन है भाई, यह रासायनिक, और मोम पिघल रही है अवस्था बदल रही है, भौतिक परिवर्तन, दहन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। याद रखना आप इस जानकारी को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है लोहे पर जंग लगना। ये किस तरह का परिवर्तन है, तो बच्चों लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया आपको कि जो आयरन है, जो लोहा है, ये जब जल वाष्प और वायु यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऐसी परिस्थिति में जंग लोहे पर लग जाता है, लोहे पर एक भूरे रंग की परत बन जाती है। यह अभिक्रिया हम आगे पढ़ेंगे जिसमें बनेगा Fe3O4 × 3H2O, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। अब इसके बाद में बच्चों हम बात करने वाले हैं कुछ और आगे रिएक्शन की, जिसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बच्चों आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे फल होते हैं जिन्हें काटते ही उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत बन जाती है। तो जैसे सेब है, मैंने उसे जैसे ही काट दिया 2 टुकड़ों में तो उसके अंदर वाली जो सतह है उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद एक भूरे रंग की परत बन जाती है। वो कैसा परिवर्तन है, याद रखना बच्चों, वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्योंकि उस सेब के अंदर आयरन था, कुछ खनिज थे, और वो खनिज वायु से क्रिया कर रहे हैं, जल वाष्प से क्रिया कर रहे हैं, और वहां नए यौगिक बन रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अलावा जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो रहा है, ये कैसा परिवर्तन है, ये भी बच्चों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। जहां जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया चलती है वो सारे रासायनिक परिवर्तन माने जाते हैं, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो भोजन का पाचन ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा बच्चों फलों का पकना ये कैसा परिवर्तन है, जब कोई फल पकेगा तब तो रासायनिक परिवर्तन ही तो होगा ना, उस फल के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेज होंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे किसी कटे फल या सेब पर भूरी परत का निर्माण, ये कैसा परिवर्तन है भाई, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये सेम वैसी घटनाएं जैसे कि लोहे पर जंग लगने की, क्लियर बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो था आपका भौतिक और कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आप इसका एक्सपीरियंस रोड ले सकते हो। हम चलेंगे आगे, अब बात करने वाले हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया,
अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, और वैसे पहले परिभाषा लिख देता हूं। हाँ जी बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके कंपोनेंट दो हैं, जिसके अंदर एक होता है आपका अभिकारक, दूसरा होता है आपका उत्तक। देखिए देखिए बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, जब जब भी यह नाम आए रासायनिक अभिक्रिया, तो याद रखना बच्चों, अगर किसी भी पदार्थ के अंदर कैसा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की अगर रासायनिक गुण बदल रहे हैं, रासायनिक संघटन बदल रहा है, तो वहां पे 101% केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कुल मिलाकर के रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? चल, अब एक रासायनिक अभिक्रिया जब भी संपन्न होगी, तब उस रासायनिक अभिक्रिया के दो पद होंगे, ठीक है? एक को अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक। और दूसरे को क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब अभिकारक क्या है? तो देखिए, अभिकारक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, ठीक है? तो यहां पर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और वहीं पर उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनेंगे, उन्हें तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? उत्पाद। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभिकारकों को ही हम क्रियाकारक भी बोलते हैं, क्रियाकारक बोलते हैं, और उत्पाद को हम बच्चों क्रियाफल भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखिएगा, अब हम आगे बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण की, कि भाई रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूं किसी रासायनिक अभिक्रिया की, कि रासायनिक अभिक्रिया के दो पद होंगे, एक अभिकारक होगा, दूसरा उत्पाद होगा। कैसे? तो देखो, जैसे मेरे पास एक जो है पदार्थ है मैग्नीशियम, हमारे पास एक पदार्थ है और उसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है? और मैं इस मैग्नीशियम का दहन करवा रहा हूं, दहन मतलब इसे जला रहा हूं। तो मेरे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा? Mg। दहन हमेशा किस गैस की मौजूदगी में होता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ये लीजिए, हमारे पास एक गैस है, उसका नाम है O2, ठीक है? जैसे ही मैं इस मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाऊंगा, इसका दहन कराऊंगा, तब एक पदार्थ प्राप्त होगा और उसका नाम है MgO। इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों, आप मुझे इतना बता दो कि यहां ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, है ना? इस अभिक्रिया का क्या नाम है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के फीते का दहन, मैग्नीशियम के फीते का दहन। तो ये मैग्नीशियम के फीते के दहन की रिएक्शन है, और यहां पर एक पदार्थ भाग ले रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम, और इसके साथ एक और पदार्थ है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ये दोनों पदार्थ इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों तो क्या हो गए? यहां पर हो गए अभिकारक।
ठीक है, वहीं पर ये जो नया पदार्थ यहां बन रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए ये बच्चों यहां पे क्या कहलाएगा, उत्पाद। चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा तो यहां तक चीजें क्लियर है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको बच्चों, इस मैग्नीशियम और इस ऑक्सीजन के बीच कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा अभिकारकों के अंदर ही कैसे परिवर्तन होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे और तभी तो बनेंगे क्या, उत्पाद, ठीक है। तो सुनिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रासायनिक समीकरण की। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के ये दो पद है। इस रासायनिक अभिक्रिया को मुझे थोड़ा ढंग से लिखना है, और जैसे आपने कई बार गणित में पढ़ा होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि दो और दो को जोड़ने से चार होता है, तो जब आप उसे लिखते हो तो 2 + 2 = 4 लिखते हो, नहीं लिखते हो। इसी तरह से जो अभिक्रिया है, मैं अभिक्रिया बोल रहा हूं, मैग्नीशियम के फीते के दहन की अभिक्रिया लिखिए, तो ऐसी परिस्थिति में उस अभिक्रिया को आप एक समीकरण में पिरोगे, एक समीकरण के रूप में लिखोगे। तो कुल मिला के समीकरण का मतलब यह हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद अगर आप सूत्र के रूप में लिखते हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के उन अणु सूत्रों को जो लिखने का तरीका है वही रासायनिक समीकरण होगा। जैसे मैग्नीशियम के फीते के दहन का मैं समीकरण लिख रहा हूं, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन गैस का प्रतीक O2, और बनने वाले उत्पाद का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका सूत्र क्या है, MgO। आपने किस किस के अणु सूत्र लिखे, अभिकारक के, और किसके लिखे, उत्पाद के, और बीच में क्या योजक चिन्ह भी लगाया क्या, बिल्कुल, तीर का चिन्ह भी लगाया क्या, बिल्कुल, तीर का चिन्ह किसके बीच में लगाया, अभिकारक और उत्पाद के बीच में, और तीर की दिशा कौन से साइड में रखी, उत्पाद की ओर। तो परिभाषा क्या होगी रासायनिक समीकरण की, तो सुनिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक अणु सूत्रों एवं कुछ योजक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि मैग्नीशियम फीते के दहन की रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक है और इस रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद है, उनको उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा, उनके अणु सूत्रों के द्वारा और कुछ योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। समीकरण बनेगा किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। अभिक्रिया के घटक होंगे कितने, दो, एक अभिकारक दूसरा उत्पाद। तो सूत्र किसके लिखोगे, अभिकारक के, और किसके लिखोगे, उत्पाद के। अभिकारक अगर दो है तो बीच में क्या लगाओगे, योजक चिन्ह। उत्पाद भी दो है तो बीच में क्या लगाओगे, योजक चिन्ह। और अभिकारक और उत्पाद के बीच समीकरण के अंदर हमेशा कैसा चिन्ह लगाओगे, तीर का चिन्ह, ठीक है। तीर के चिन्ह के राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे, अभिकारक, ठीक है। तो याद रख लेना, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को उनके अणु सूत्रों एवं प्रतीकों के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका या लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर है, चल अब बच्चों इसके बाद में मैं एक लास्ट जानकारी बता दूं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण के अंदर कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, यानी रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ है क्या, नियम, ठीक है। उन नियमों को हम जो है, वैसे तो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर है तो ज्यादा तो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन 2-3 नियम आपको बताना चाहता हूं। पहला नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब आप लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखना, तीर का चिन्ह जो है वो अभिकारक और उत्पाद के बीच होना चाहिए, और
और तीर के चिन्ह के राइट हैंड साइड के अंदर हमेशा किसे लिखना है, उत्पाद को लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा किसे लिखना है, अभिकर्ण। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा नियम। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि अभिकारक दो या दो से ज्यादा है, मान लो अभिकारक तीन है, तो बीच में आपको ऐसे युद्ध चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर उत्पाद भी दो या दो से ज्यादा है तो बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी प्लस का चिन्ह, जैसे कि ये उत्पाद मान लो। तो हमेशा ध्यान रखना अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में योजक चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद में एक नियम और बताना चाहता हूं। अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अभिक्रिया किस तरह की है बच्चों, उत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनता है, उसी समय उत्पाद से वापस क्या बनता है, अभिकारक, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस अभिकारक और उत्पाद के बीच में दो आधे तीर के चिन्ह लगाने हैं इस तरह से बच्चों। अगर इस तरह का तीर का चिन्ह अगर कहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो अभिक्रिया किस तरह की है, उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक कभी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभिकारक से बनता है उत्पाद और उसी समय उत्पाद से बनने लगता है अभिकारक। ठीक है, तो याद रख लेना यह जानकारी। तो अपन इस तरह के तीर के चिन्ह अगर कहीं लगाए हुए देखते हैं तो वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, और अगर तीर के चिन्ह इस तरह के हैं तो वो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, वो केवल एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और नियम है, हमने से बड़े तौर पर कल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी कि रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित है तो आप उसे संतुलित करो, और साथ ही साथ जो है जितने भी अभिकारक और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाओ कि जो पदार्थ है वो ठोस है, द्रव है या गैसीय अवस्था में, इस बात का भी आप ध्यान रखो। तो ये सारी चीजें अपन अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम और मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you a lot, sir.